ये टेलरिंग शॉप मलीर डिस्ट्रिक्ट जेल में वाकई है, जहां कत्ल केस के कई कैदी कपड़ों की सिलाई में मसरूफ हैं। ये लोग बेहतरीन कारीगर हैं। इनका कहना है कि जेल में काम का मुआवजा तो अच्छा नहीं, लेकिन वक्त अच्छा गुजर जाता है। ये रमजानों के अंदर तकरीबन हमने सूट सिलाई कर ली है, तकरीबन कुछ 100-120 सूट सिलाई की है, और आम रूटीन में डेली के ये दो तीन सूट चलते हैं। मैं लेडीज कपड़ों का स्पेशलिस्ट हूँ, तो लेडीज ही बनाता हूँ ज्यादा, डेली के एक या दो आ जाता है। जेल इंतजामिया का कहना है कि जेल में टेलरिंग शॉप और दीगर कामों के बायस ना सिर्फ जेल के माहौल में मुस्बत तब्दीली आई है, बल्कि इससे कैदियों का रवैया भी बेहतर हुआ है। इंडस्ट्री खोलने का मकसद यह है कि कोई लाखों रुपए प्रॉफिट की बात नहीं होती है, उसके अंदर सिर्फ ये होता है कि कैदी को एक अच्छा माहौल दिया जाए, वो उसको सीखे, उसको सिखा के बाहर जाए, बाहर जाके उसको रोजगार कमा सके। जेल की टेलरिंग शॉप में काम करने वाले कैदी जेल इंतजामिया की यूनिफॉर्म समेत हर तरह की सिलाई करते हैं, और हर कैदी कारीगर एक से दो जोड़े रोजाना सिलाई कर लेता है। जो जो ईद करीब आती है, पाकिस्तान भर की टेलरिंग शॉप पर हाउसफुल के बोर्ड लग जाते हैं, लेकिन मलीर डिस्ट्रिक्ट जेल में कायम टेलरिंग शॉप आज भी रूटीन में काम कर रही है। कैमरामैन अब्दुल क्यूम शेख के साथ लियाकत अली राणा, दुनिया न्यूज़, कराची।